नमस्कार, आप सभी का मेरे YouTube चैनल पर स्वागत है। आज मैं आपको इस तरह का शॉल का डिजाइन बनाना बताऊंगी और ये डिजाइन बनाने में बहुत आसान है, आप इसे बना सकते हो। और इतना हमारा ये डिजाइन आएगा और इसके बाद फिर से ये वाला डिजाइन हमारा रिपीट होगा। तो चलिए आज हम इसे बनाना स्टार्ट करते हैं। तो मैंने यहाँ पे दो रो बनाई हुई है हाफ डबल क्रोशिये से और इसके ऊपर अभी मैं ये डिजाइन बनाऊंगी। तो सबसे पहले मैं यहाँ पे तीन चेन लूंगी। तो हमने यहाँ पे तीन चेन लिया और अभी हमने बल लेना है और यहाँ पे हम वन और टू, यहाँ पे हम टू चेन स्किप करेंगे और जो हमारे पास यहाँ पे थर्ड चेन आएगा वहां पे हमने टू टाइम डबल क्रोशिया बनाना है एक ही चेन में और बीच में हमने दो चेन लेना है, एक और दो, और फिर से हमने यहीं पे दो बार और डबल क्रोशिया करना है। तो ये एक ही चेन में हमारे पास फोर टाइम डबल क्रोशिया हो जाएगा और बीच में ये हमारे पास टू चेन आएगा और यहाँ पे हमने टू चेन यहाँ पे हमने स्किप कर दिया है और हमने थ्री चेन इसको स्टार्ट किया है। अभी हम वन चेन लेंगे, बल लेंगे और वन टू थ्री और फोर, हमने यहाँ पे फोर चेन स्किप करना है और जो हमारे पास यहाँ पे फिफ्थ चेन है वहां पे हमने डबल क्रोशिया करना है इस तरह से और बीच में हमने तीन चेन लेना है और फिर से यहीं पर इसी चेन में यहीं पर हमने एक बार और डबल क्रोशिया बनाना है। तो ये हमारे पास इस प्रकार से लूप बन जाएगा और अभी हम वन चेन लेंगे। तो इस तरफ भी हमने वन चेन लिया और इस तरफ भी हम वन चेन लेंगे और अभी हमने फिर से यही इधर जो हमने जैसे बनाया है वैसे ही हम लास्ट में बनाएंगे। तो हम यहाँ पे फोर चेन स्किप करेंगे, एक दो तीन चार, और जो हमारे पास यहाँ पे फिफ्थ चेन है वहां पे हमने टू टाइम यहाँ पे हम डबल क्रोशिया बनाएंगे और बीच में हम यहाँ पे दो चेन लेंगे और यहीं पे हमने फिर से टू टाइम बनाना है इसी चेन में डबल क्रोशिया। जैसे कि हमने फ्रंट में यहाँ पे टू चेन स्किप किया वैसे ही हम लास्ट में भी वन और टू चेन स्किप करेंगे और जो हमारे पास लास्ट में यहाँ पे चेन आएगा वहां पे हमने डबल क्रोशिया करना है एक बार। तो इस प्रकार से हमारी फर्स्ट रो कंप्लीट हो जाएगी और पूरे डिजाइन में हमारे पास जो ये वाला डिजाइन आएगा हमारा फ्रंट में और लास्ट में फोर डबल क्रोशिया आएंगे, बीच में टू चेन आएगा, ये सेम आएगा, इसमें हमने कुछ भी चेन नहीं करना है। तो हम यहाँ पे तीन चेन लेंगे और हमने बल लेना है और जो हमारे पास देखिए यहाँ पे लूप बन गया है, बीच में हमने टू चेन लिया था वहां पे हम यही डिजाइन सेट करेंगे, यहाँ पे हम टू टाइम डबल क्रोशिया करेंगे, बीच में हमने दो चेन लेना है और फिर से हमने यहीं पे टू टाइम और डबल क्रोशिया बनाना है। तो ये हमारे पास टोटल फोर टाइम डबल क्रोशिया आ जाएगा। तो अभी हमने चेन वन लेना है यहाँ पे और जो हमारे पास यहाँ पे लूप है इसमें हमने टोटल दस बार डबल क्रोशिया बनाना है, टेन टाइम हम यहाँ पे डबल क्रोशिया बनाएंगे, यहाँ पे इसके साथ वन चेन लेंगे। तो अभी हम यहाँ पे इस लूप में हमने 10 बार डबल क्रोशिया बनाना है। तो देखिए मैंने इस लूप में 10 टाइम डबल क्रोशिया बनाया। अभी हम यहाँ पे वन चेन लेंगे, जैसे कि हमने इस तरफ भी एक चेन लिया है और हमने पूरे, जैसे मैंने आपको बताया कि पूरे शॉल के डिजाइन में हमारा ये वाला डिजाइन जो फ्रंट और बैक में है ये सेम आएगा। तो हमने यहाँ पे टू टाइम डबल क्रोशिया बनाना है और बीच में हम यहाँ पे दो चेन लेंगे और यहीं पे हमने फिर से टू टाइम डबल क्रोशिया बनाना है और यहाँ पे जो हमारी थर्ड चेन आएगी वहां पे हमने डबल क्रोशिया बनाना है लास्ट में। तो इस प्रकार से हमारी टू रो कंप्लीट हो गई है। तो अभी मैंने यहाँ पे थर्ड रो बनाऊंगी मैं। तो मैंने यहाँ पे ये वाला डिजाइन सेम बना लिया है। तो हम यहाँ पे चेन वन लेंगे और इस रो में हमने चेन वन लेना है और जो हमारे पास यहाँ पे टेन हमने डबल क्रोशे बनाए हैं उसके ऊपर हमने टेन टाइम बनाना है, हर एक चेन में एक एक बार हम डबल क्रोशिया बनाएंगे इस प्रकार से
और बीच में हमने कोई भी चेन नहीं लेना है, हमने हर एक चेन में एक एक बार बनाना है। 10 के ऊपर हम 10 बार यहाँ पे डबल क्रोशिया बनाएंगे और फिर 1 चेन लेंगे और फिर से ये वाला डिजाइन जो हमारा है वो दोहराएंगे। और यही रो हमारी नेक्स्ट आएगी, सेम आएगी रो, तो अभी हमने 1 चेन लेना है यहाँ पे और फिर से ये वाला डिजाइन हमने दोहराना है। 2 टाइम हमने डबल क्रोशिया बनाना है और बीच में हम 2 चेन लेंगे। तो जो हमारी नेक्स्ट रो आएगी यहाँ पे वो सेम ऐसे ही आएगी, हमने यहाँ पे यही डिजाइन बनाना है नेक्स्ट रो में, जो हमारी 4th रो आएगी यहाँ पे, और बीच में हमने 1 चेन लेना है और 10 के ऊपर हमने अगेन यहाँ पे 10 टाइम डबल क्रोशिया बनाना है और फिर 1 चेन लेके ये वाला डिजाइन बनाना है। तो जो हमारी 4th रो आएगी वो सेम एज जैसे कि हमारी 3rd रो है वैसे ही यहाँ पे आएगी। तो अभी हमारी यहाँ पे 5th रो आएगी, तो हमने यहाँ पे मैंने इसी प्रकार से इसको बना लिया है स्टार्टिंग में। तो मैं यहाँ पे अभी हमने चेन 1 लेना है और हम जो हमारे यहाँ पे ये लीफ है इसको अभी हम डिक्रीज करेंगे, कम करेंगे, तो हमने 1 डबल क्रोशेट को यहाँ पे छोड़ देना है और नेक्स्ट में बनाना है। तो हमारे पास यहाँ पे 10 डबल क्रोशेट हैं, तो उसके ऊपर हमारे पास ये 8 रह जाएंगे क्योंकि हम दोनों तरफ से एक एक डबल क्रोशिया नहीं बनाएंगे। तो हमने एक इस तरफ छोड़ देना है डबल क्रोशिया और एक लास्ट में छोड़ देना है। तो अभी हम ये वाला बनाएंगे और इसके आगे हम नहीं बनाएंगे। तो मैंने ये वाला डबल क्रोशिया यहाँ पे स्किप कर दिया है और चेन 1 लेके हम यही पैटर्न फिर से सेट करेंगे। 2 टाइम डबल क्रोशिया करेंगे और बीच में हमने 2 चेन। तो अभी हमारे पास इस रो में मैंने यहाँ तक बनाया हुआ है, तो अभी हम यहाँ पे 2 चेन लेंगे। तो मैंने यहाँ पे 2 चेन लिया और हमारे पास यहाँ पे 8 डबल क्रोशेट हैं, तो अभी हमने एक इस तरफ से छोड़ देना है और एक इस तरफ से, तो ये हमारे पास यहाँ पे 6 रह जाएंगे। तो हमने 1 डबल क्रोशिया यहाँ पे स्किप कर देना है और नेक्स्ट में बनाना है। 2 चेन लेना है, ये मैंने दूसरी बार बनाया, तो हमने यहाँ पे 6 बार बना लिया है और हमने जो लास्ट में हमारे पास डबल क्रोशिया है इसको हमने छोड़ देना है। तो हम यहाँ पे 1 और 2 चेन लेंगे और फिर हम यहाँ पे 2 टाइम डबल क्रोशिया बनाएंगे और बीच में हमने 2 चेन लेना है। तो अभी हम हमारी 7th रो पे आ गए हैं। तो मैंने ये वाला स्टार्टिंग में डिजाइन बना लिया है, 4 हमने डबल क्रोशिया, बीच में 2 चेन। तो अभी हम 1, 2 और 3, यहाँ पे हम 3 चेन लेंगे। यहाँ पे हमने 2 चेन लिया था, पहले हम 1 चेन ले रहे थे, तो अभी हमने 3 चेन लेना है क्योंकि यहाँ से हमारा जो लीफ है वो हम डिक्रीज कर रहे हैं, तो इस तरफ हमारी चेन बढ़ रही है। तो अभी हम बल लेंगे, यहाँ पे हमने एक डबल क्रोशिया स्किप कर देना है। तो हमारे पास 6 थे तो अभी ये 4 रह जाएंगे, 4 आएंगे क्योंकि एक हम आगे छोड़ देंगे और एक हम बैक की तरफ छोड़ देंगे, तो ये हमारे पास 4 रह जाएंगे। 2 हम यहाँ पे स्किप कर देंगे, तो ये मेरे पास 4 यहाँ पे डबल क्रोशिया आए हैं, एक मैंने इस तरफ स्किप किया है और एक फ्रंट में। 1, 2 और 3, यहाँ पे हमने 3 चेन लेके फिर से हमने यही डिजाइन सेट करना है, 2 टाइम डबल क्रोशिया बनाना है और बीच में 2 चेन लेना है, फिर से यहीं पर हमने 2। तो अभी हम 8th रो पे आ गए हैं, तो मैंने यहाँ पे 4 चेन लिया हुआ है। तो अभी हमने यहाँ पे इस रो में हमने 4 चेन लेना है, यहाँ पे हमने 3rd चेन लिया था, अभी हम 4 चेन लेंगे, बल लेंगे और जो हमारा फर्स्ट डबल क्रोशिया उसको हम स्किप कर देंगे और नेक्स्ट में बनाएंगे। तो हमारे पास यहाँ पे 4 डबल क्रोशिये हैं, तो अभी ये 2 रह जाएंगे, एक हमने लास्ट में स्किप कर देना है, तो ये हमारे पास यहाँ पे 2 डबल क्रोशिये आएंगे और फिर से हम 1, 2, 3 और 4, यहाँ पे हमने 4 चेन लेके फिर से हमने यही डिजाइन सेट करना है। और जो हमारी 3rd चेन है वहां पे हमने डबल क्रोशिया बनाना है लास्ट में।
तो ये इस प्रकार से हमारी लीफ आया है यहाँ पे। हमने यहाँ तक इसको डिक्रीज किया है, कम किया है, तो अभी ये वाली रो हमारी यहाँ पे रिपीट होगी। तो हमने यहाँ पे टू चेन लेना है, जैसे कि हमने यहाँ पे टू चेन लिया था, वन और टू हम चेन लेंगे, फोर हमने स्किप कर देना है, जैसे कि हमारे पास फोर चेन है। तो जो हमारा यहाँ पे फर्स्ट डबल क्रोशिया है वहां पे हमने डबल क्रोशिया बनाना है और बीच में तीन चेन लेना है और फिर से हमने यहीं पे एक बार और डबल क्रोशिया बनाना है। तो हमारे पास ये लूप बन जाएगा जैसे कि हमारे पास यहाँ पे है, और वन और टू चेन लेके फिर से हमने यही पैटर्न दोहराना है। टू टाइम हमने डबल क्रोशिया बनाना है और बीच में हम दो चेन लेंगे और फिर से हमने यहीं पे दो बार और डबल क्रोशिया बनाना है, और जो हमारे पास थर्ड चेन है वहां पे हमने एक बार डबल क्रोशिया करना है। तो इसके बाद ये डिजाइन फिर से रिपीट होना स्टार्ट हो जाएगा, ए वाली रो आएगी यहाँ पे हमारी इस प्रकार से। तो आप इसको कितना भी बड़ा बना सकते हो, ये आसान है बनाने में। तो अगर आपको मेरा वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज इसे लाइक शेयर कीजिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। तो आप सभी का मेरी वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।